डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं अभी हम लोग मैथमेटिक्स में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.2 तक के क्वेश्चंस को किया है। उसमें अगर क्वेश्चन बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास बुक होगा, बुक जरूर खोल लीजिए कि कहां तक के क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे और 4 नंबर क्वेश्चंस को कैसे हम लोगों को करना है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। आपको पहले फिगर बनाना चाहिए कि एक वृत्त है भाई और उसका त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। पहले उसका केंद्र मान लीजिए ओ, ठीक है। अब इस वृत्त का केंद्र हो गया हम लोगों का ओ, और इसमें जो एक वृत्तखंड बन रहा है, और वृत्तखंड के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक जीवा द्वारा बनाया गया जो वृत्तखंड है, हालांकि वृत्तखंड तो इसको हम लोग कहते हैं, इस ये हो गया हम लोगों का लघु वृत्तखंड, नीचे वाला लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों को बोल रहा है इसका त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग त्रिज्या वाले को ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन से मिला लेते हैं। तो ये पता चल गया कि इसका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, लेकिन कोण पर जो केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो बिल्कुल समकोण बना रहा है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब यानी कि हमको थीटा पता चल गया कि कितना है भाई, 90 डिग्री थीटा है। चलिए फिर अगर हम लोग बात करें तो हमको निकालना क्या है, तो इसी में दो क्वेश्चन है। उसके नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो चौथा के पहला सवाल में बोल रहा है लघु वृत्तखंड, यानी कि इसके पहले क्वेश्चन में बोल रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा में निकालना है जो है, दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसमें निकालना है दीर्घ त्रिज्य, सॉरी हां, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप समझ पा रहे होंगे सबसे पहले कि हम इसको सिर्फ नाम दे देते हैं OAB, एक तरह का समकोण त्रिभुज बन रहा है। OAB एक तरह का समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, ए वो 90 डिग्री है, इसलिए हम इसको समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। फिर अगर बात किया जाए, हमको तो बोल रहा है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्त खंड तो यही ना हुआ, लघु वृत्त खंड तो यही हुआ। अगर आप बताओ हम लोग इस पूरा यहां नाम रख दे पी, तो AOBPA का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह एक तरह का त्रिज्यखंड बनेगा। त्रिज्यखंड हम आपको बताए थे कि कोई वृत्त का केंद्र से मिलाने वाली ये पूरा को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। तो अगर दोस्तों इस पूरा त्रिज्यखंड का निकाल करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तब हम लोगों का पहला का आंसर निकल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पहला सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए, यानी कि बोला जा रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा, तो AOBPA का क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा, AOB का क्षेत्रफल अगर घटा दें तब हम लोगों का ये वाला जो कलर किया हुआ है यही वृत्तखंड का निकल जाएगा। क्योंकि आप बताओ त्रिज्यखंड तो पूरा हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक पूरा इसके अंदर,
लेकिन हमको सिर्फ वृत्त खंड का चाहिए, तो ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है इसको घटा लेंगे तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो आप बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज एओबी क्या है? एक तरह का समकोण त्रिभुज है। अब आप समझ पा रहे होंगे ना कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो जब एक कोण 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और समकोण का होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो इसका थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, कोण कितना है 90/360 गुने। अब आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि पाई का वैल्यू कितना रखना है, तो इस सवाल में ब्रैकेट में करके लास्ट में लिखा है कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं रखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है 3.14 रखने का, तो पाई की जगह पे रख दिया। आर का स्क्वायर करना है, तो इसमें कितना त्रिज्या दिया है, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कर दिए। माइनस 1/2 गुने इस त्रिभुज का आधार कौन सा होगा, तो ये 90 डिग्री है तो आधार भी 10 होगा और इसका ऊंचाई भी 10 होगा, यानी आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10। तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, गुना भागा करना है, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेना है और इसका कर लेना है और फिर घटा देना है। घटाने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए फिर हमको क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में, यानी कि इतना कर लेंगे आप, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा और इसको घटा लीजिएगा तो ये पहला का आंसर आ जाएगा। अब चलिए दूसरा में हम लोग चलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड किसको कहते हैं भाई, तो दीर्घ त्रिज्यखंड आप देख लो ए ओ बी पी ए एक तरह का ये क्या हुआ, ये सब लघु त्रिज्यखंड हुआ। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लेकिन अभी जिसको हम लोग कलर कर रहे हैं ये डॉट 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 दे रहे हैं, ये हम लोगों का है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और इसी का पूरा हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल हमको कैसे निकाल पाएंगे हम, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम दे दीजिए, यहां पर नाम रख दीजिए इसका क्यू, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा, तो ए क्यू बी ओ ए, यानी कि ऊपर वाला, ये तो छोटा त्रिज्यखंड हो गया ना, इसके ऊपर वाला ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और दूसरा सवाल में यही दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है। तो आप सोचो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरा वृत्त का निकाल के और त्रिज्यखंड वाला घटा देंगे या हटा देंगे तब खाली इसका बच जाएगा, है ना। तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कौन सा हम उपाय करेंगे, इसमें सबसे पहले एक तरीके से सोचना पड़ता है कि हम कैसे निकालेंगे ताकि दीर्घ त्रिज्यखंड का निकलेगा। इस बार त्रिज्यखंड भी बोल रहा है, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर सवाल में त्रिज्यखंड लिखा रहे तब आपको समझना है लघु त्रिज्यखंड, यहां तो सिर्फ दे दिया है नाम के साथ दे दिया है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड तो यही ना हुआ। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड तो यही हुआ हम लोगों का, अब इसी का हमको निकालना है। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड वाला निकालना है। अब इस दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने के लिए आप सोचिए क्या करेंगे, तो पूरा वृत्त का निकालने के बाद वृत्त में तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और त्रिज्यखंड वाला माइनस कर लीजिए तो दीर्घ त्रिज्यखंड वाला बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरा सवाल में कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद घटा देना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कौन सी होता है भाई, तो पाई आर स्क्वायर, आप पढ़े होंगे पहले 9th क्लास में, नहीं पढ़े होंगे तो लिख लीजिए ये फॉर्मूला कि किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां बैठा दिया पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आपको पहले बता चुके हैं थीटा बट्टा में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप बताइए पाई की जगह पे कितना रखना है इस सवाल में,
3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस थीटा के जगह पे कितना 90 बटा में 360। क्यों भाई थीटा? क्योंकि केंद्र पर समकोण बना रहा था और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री इंटू फिर पाई आया तो पाई के जगह पे 3.14 आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है तो इसका वैल्यू पहले निकालना है। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। 100 को 3.14 से गुना कर लेना है जितना आएगा और बाद पहले इसको सॉल्व कर लेंगे जितना आएगा फिर उसको घटा लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा यार, इस क्वेश्चन में चौथा सवाल में हम पाई के जगह पे 3.14 रख रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में ना जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ तो लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है कि पाई का वैल्यू जो रखना है वो 3.14 रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब तक कि ना बोला जाए हमेशा पाई का कितना रखते हैं वैल्यू 22/7। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए इस बार भी एक वृत्त है, ठीक है, इस बार वृत्त है लेकिन इस वृत्त का त्रिज्या कितना बोल रहा है? त्रिज्या बोला जा रहा है 21 सेंटीमीटर। तो यहां पे तो केंद्र है, मान लीजिए वो केंद्र है और 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ज्ञात करना है हमको चाप का लंबाई। इकरा में तीन गो सवाल है, चाप की लंबाई निकालना है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप चीजों को देखिए तो इसका फिगर बनाइए। अगर यहां से यहां तक के अगर मिलाएंगे तो त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 21 सेंटीमीटर लेकिन यहां वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है, समझ रहे हैं? यानी केंद्र पर का कोण कितना है 60 डिग्री और त्रिज्या 21 है और 21 है। जब आप इसका जीवा को मिलाएंगे, ये रहा हम लोगों का जीवा, तो ये 21 और ये 21 दोनों क्या है? बराबर है। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जब 60 है तो इसको और इसको दोनों को मिलाकर 120 होना चाहिए। अब 120 तो होगा दोनों मिला के लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, यानी 120 का आधा करेंगे तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। यानी कि जब एक कोण 60 दिया रहेगा, समझ रहे हैं, तो बाकी का दोनों कोण ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। तो वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो भाई ये भी एक ऐसे ना होगा। तो आप एक नया लॉजिक समझिए कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर अगर 60 डिग्री रहेगा कोण तो बाकी का दोनों कोण को कितना बना देना है, हमेशा 60-60 होगा। सिर्फ 60 पर भी, अगर ये 55 रहता तो हम 55-55 नहीं लिखते, यानी कि 60 के लिए ही ऐसा रूल है कि अगर केंद्र पर हमेशा कोई भी सवाल में अगर 60 डिग्री का कोण बोले और यहाँ पे त्रिज्या रहेगा कुछ ना कुछ त्रिज्या, तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होगी, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। चलिए यहां तक क्लियर होगा। ऐसा देखने से आपको पता चल रहा होगा कि इसका अगर नाम दे दें त्रिभुज ए ओ बी तो एक तरह का ये त्रिभुज बन रहा है समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समबाहु, क्योंकि इसका तीनों कोण क्या है? बराबर है। उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, या जिसका तीनों भुजा बराबर रहे उसको भी हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। चलिए अब यहां तक के हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए। अब पहला सवाल बोल रहा था कि चाप का लंबाई निकालिए। अच्छा, इसमें पाई का तो वैल्यू कुछ नहीं कह रहा है तो हमेशा कितना रखेंगे इसमें 22/7। तो चाप का लंबाई कैसे निकलेगा? चाप की लंबाई तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2πr। थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, कोण कितना है भाई? तो 60 डिग्री, तो 60 बटा 360 गुने 2 का तो 2 छोड़ देंगे। पाई का मान कितना रखना है?
इसमें तो नहीं बोला कि 3.14 रखना, इसलिए यहाँ रखेंगे 22/7 और त्रिज्या कितना है इसमें 21 सेंटीमीटर, तो 21 रख देंगे और बाकी का जो काम है वो आपका है, इसको हल करना, इसको गुना करना, इसको भागा करना, तो इसको आप खुद से भी करके आंसर मैच कर सकते हैं। तो पांचवा का पहला बोला चाप का लंबाई, ये आप निकाल लेंगे। चलिए अब पांचवा का ही दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है पांचवा का सेकंड, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देख लो भाई, अब हमको दूसरा में निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का नाम दे सकते हैं, त्रिज्य खंड पूरा कुछ बन रहा है, तो त्रिज्य खंड है ए ओ बी पी ए, पूरा ना बन रहा है ये, पूरा हो गया त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड ए ओ बी पी ए का क्षेत्रफल, यही निकालना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला याद है यार हम लोगों का, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 60 डिग्री बटा 360 गुने पाई, 22/7 गुने आर का स्क्वायर, तो आर मैंने त्रिज्या, त्रिज्या 21 का स्क्वायर है। इसका हल कर लीजिएगा तो दूसरा का आंसर आ जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे कि पांचवा का तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। पांचवा का तीसरा बोल रहे हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड कौन है भाई, तो वृत्त खंड तो यही ना है, यही ना वृत्त खंड है, और इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वृत्त खंड का निकालने के लिए पूरा त्रिज्य खंड में से जो अभी निकाले पांचवा के दूसरा में जो निकाले उसमें से घटा देना है किसको, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। और ये एक तरह त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रख लीजिएगा √3/4 गुने में भुजा का स्क्वायर, ये होता है हम लोगों का समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला। हालांकि तीसरा में बोल रहा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्यखंड, इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ करेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ए ओ बी पी ए, ए ओ बी पी ए का क्षेत्रफल में से घटा देंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ओ बी पी ए का तो क्षेत्रफल अभी तुरंत निकाले हैं दूसरा सवाल में, जितना दूसरा सवाल का आंसर आएगा ना वही यहां रख दीजिएगा, और माइनस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरा वाला सवाल का जो आएगा आंसर, पांचवा का दूसरा का जो आएगा वही ना त्रिज्यखंड ए ओ बी पी ए का क्षेत्रफल है, उसको यहां रखते चले जाइएगा माइनस √3/4 गुने भुजा, तो भुजा कितना है इसका समबाहु त्रिभुज का 21, तो यहाँ 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा और इसको सॉल्यूशन करके और दूसरा में से पहला को घटा लीजिएगा। √3 का वर्गमूल निकालना है, पॉइंट में आएगा, √3 के कितना मान आता है 1.732, तो इस √3 के जगह पे इतना रख देना है और 21 का स्क्वायर जितना आएगा गुना करा के 4 से भाग कर देना है और जितना दूसरा के में से आया है उसको घटा लेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों का पांचवा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज चौथा और पांचवा हम लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फिर अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।